राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, राजस्थान में चुनाव एकदम नजदीक है। चुनाव जीतने के लिए विपक्षी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी में जहां पहली लिस्ट जारी होने के बाद टिकट कटने वाले नेता विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता बीजेपी का प्रचार करने की बात कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसी नेता का बयान अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल नागौर के कदावर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋचपाल सिंह मिर्धा हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दरअसल डेगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान एक वीडियो सामने आया है। डेगाना से कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पूर्व एमएलए ऋचपाल मिर्धा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है तो मुझे 2-4 दिन के लिए वहां जाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे आपकी इजाजत चाहिए, इजाजत तो है ना मुझे, वैसे मेरे लिए पार्टी वार्टी की कोई बंदिश नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुला हूँ आपकी तरफ से, आप मेहरबानी रखिएगा। हालांकि अब मिर्धा ने सोशल मीडिया पर अपने बयान को लेकर सफाई दे दी है। कांग्रेस के कदावर नेता कहे जाने वाले मिर्धा को आचार संहिता लगने से एक दिन पहले ही वीर तेजा कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, साथ ही उन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि ऋचपाल मिर्धा डेगाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऋचपाल मिर्धा का परिवार कांग्रेस पार्टी की नींव मानी जाती है। आपको बता दें कि उनकी बेटी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद उनके पिता ऋचपाल मिर्धा ने भी बयान दे दिया कि उनकी बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेगी तो वह 4-5 दिन उसका भी प्रचार करेंगी। मिर्धा के इस बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। इस बयान के आने के बाद सबके मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या ऋचपाल मिर्धा भी बेटी की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।